प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। किसान सम्मान निधि के तहत पीएम मोदी ने किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। सीकर में बोले पीएम, लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। सीकर में बोले पीएम, जो हाल इंदिरा इज इंडिया का हुआ वही हाल यूपीए इज इंडिया का होगा। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत, ईडी डायरेक्टर एस के मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा। राज्यसभा से सिनेमेटोग्राफर संशोधन विधेयक पास हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 28 जुलाई तक के लिए स्थगित। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे पर फैसला 3 अगस्त को आएगा। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी बंगाल को धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। गगनयान मिशन में सर्विस मॉड्यूल सिस्टम का तीसरा होट टेस्ट भी सफल। कंझावला केस में चारों आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में क्या हो रहा है सरकार को सब पता है, संजय सिंह से मिलने के बाद बोले अखिलेश यादव। मणिपुर में अब चुराचांदपुर जिले में भड़की हिंसा, थोरबोंग इलाके में लगातार हो रही फायरिंग। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दिया इस्तीफा, मणिपुर की घटना को बताया वजह। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कहर बनकर गिरी आसमानी बिजली, 6 लोगों की मौत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।